हे व्हाट्स अप गाइस, क्या हालचाल। मैं आ गया हूँ आपके सामने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर के। और अगर आपने जाने अनजाने में इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है अयुब और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अयुब एडिट्स में। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बहुत ईजिली तरीके से मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से फोटो एडिटिंग को सीख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले गाइज, हम इस फोटो को ले लेते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज, जैसे कि मैंने इस फोटो को जो है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है गाइज, हमने कर लेना है इस फोटो का बैकग्राउंड इरेज, जो कि हम करेंगे ड्रॉ टूल के अंदर, जिससे कि हमारी फोटो में जो है पिक्सल लो नहीं होंगे। तो इसको रेस करने के लिए मैं इस पर एक अलग से पूरा ट्यूटोरियल बना दिया हूँ, उसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं या आप मेरे चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका हम बैकग्राउंड रेस करेंगे। मैं यहाँ पर भी आपको एक जो है बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड रेस करने के लिए सबसे पहले लेयर पर अपने आ जाना है, और यहाँ पर लेयर के नीचे आपको जो है अपनी MPTL लेयर जो है चूज कर लेनी। उसके बाद नॉर्मल में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको कर देना है एग्जोर। और उसके बाद पैन का साइज आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, इसकी ओपेसिटी एंड यहाँ से हार्डनेस को फुल रखना है, और यहाँ से इसका जो है बैकग्राउंड इरेज हमने कर लेना है। इसमें आपका ये फायदा होगा गाइस कि आपकी क्वालिटी बिल्कुल भी जरा भी लो नहीं होगी। तो मैं जल्दी से इसको जो है इरेज कर देता हूँ, आप देख लेना गाइस मैं किस तरह से कर रहा हूँ। तो इस पार्ट को मैं कर देता हूँ स्किप। तो गाइज, मैंने अपनी फोटो का जो है बैकग्राउंड रेज बहुत अच्छे से कर लिया है, आप भी इस तरह से कर लेना। तो उसके बाद गाइज, अब हम करेंगे इसमें जो है अपना बैकग्राउंड ऐड। तो उसके लिए हमें ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ से फोटो जो है हम अपने बैकग्राउंड जो है ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जल्दी से। तो ये वाला बैकग्राउंड जो है गाइज, हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड इसको यहाँ से कर देंगे डन। और इसको हम जो है अपने पीछे लगाना है हमने अपने मॉडल के, तो इसको हम जो है पहले एडजस्ट कर लेते हैं पूरे फोटो पर, जो है हम इसको अच्छे से रख लेते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद जाकर यहाँ से हम जो है इसको कर देते हैं नीचे, तो ये हमारे जो है बैकग्राउंड जो है अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से इसको डन। और अब हम जाएंगे स्टिकर के अंदर, और यहाँ से हम जो है एक अपनी ये वाली जो है हम यहाँ पर लाइटिंग इफेक्ट इसमें जो है ऐड कर लेंगे, और इसको जो है हम यहाँ पर अच्छे से इस एरिया में लगाएंगे। और यहाँ से इसके ब्लेंड मोड को भी कर देंगे हम स्क्रीन, और इसको हम इस एरिया में लगाएंगे। एंड यहाँ पर लगाने के बाद हम जो है इसकी ओपेसिटी को जो है थोड़ा डाउन करेंगे, तो यहाँ से इसके ऑपोजिट को थोड़ा इतना रखेंगे गाइस, और इसके साइड को थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। उसके बाद सिंपली कर देंगे हम यहाँ से इसको डन। अब हम जाएंगे गाइस इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पर हम इस फोटो में करेंगे कलर एडजस्टमेंट। तो गाइस, इतना आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मैंने किस तरह समझाया। अब आगे जो है हमारा मेन काम रहेगा इसमें कलर कलेक्शन का, तो वो हम लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर करेंगे। तो जल्दी से हम इस फोटो कर लेते हैं अब लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन। तो गाइज, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर मैंने अपनी फोटो को ओपन कर लिया है। तो गाइज, अब हम करेंगे इसमें कलर एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे लाइट के अंदर, तो लाइट एडजस्टमेंट हम पहले इसकी करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने इसके हाईलाइट्स को जो है पहले माइनस कर देना, देन कॉन्ट्रास्ट को भी हम यहाँ पर हल्का माइनस करेंगे, और उसके बाद शेडोज को प्लस करेंगे इतना 34 के आसपास रख लेंगे, देन वाइट्स को हल्का प्लस करेंगे, और ब्लैक्स को जो है यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा माइनस कर लेंगे, 45 के आसपास जो हम इसको रख सकते हैं गाइस, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम जाएंगे कलर के अंदर, और कलर माने के बाद इसकी वाइब्रेंस को हम थोड़ा ज़्यादा प्लस करने वाले हैं यहाँ पर, प्लस 46 47 आप जो रख सकते हैं, अराउंड 50 के अंडर आपको इसको जो है रखना है। देन उसके बाद हम जाएंगे टेम्परेचर पर, इसके टेम्परेचर को भी हल्का हम जो है प्लस करेंगे, देन सेचुरेशन को यहाँ से हल्का माइनस करेंगे। उसके बाद गाइस हम जाएंगे मिक्स के अंदर, और सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर येल्लो कलर को, और येलो कलर की उसको -100 कर देंगे, देन सेचुरेशन को भी -100 कर देंगे। उसके बाद ग्रीन लेंगे गाइस, तो ग्रीन के यूज को हम यहाँ पर -100, देन सेचुरेशन को भी यहाँ पर हल्का सा जो है माइनस करेंगे गाइस, बहुत बढ़िया। उसके बाद गाइस हम जाएंगे यहाँ पर ऑरेंज कलर पर, तो ऑरेंज कलर की सेचुरेशन को हम यहाँ पर माइनस करेंगे, देन यूज को प्लस करेंगे, और ल्यूमिनेंस को यहाँ पर जो है हल्का प्लस कर देंगे गाइस, बहुत बढ़िया। एक मिनट, यहाँ पर हम जो है ग्रीन की थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं गाइस, इतना रख लेते हैं इसको, बहुत बढ़िया। उसके बाद गैस हम जाते हैं स्काई ब्लू, तो स्काई ब्लू की सेचुरेशन को माइनस, और उसके बाद गैस हम जाते हैं ब्लू कलर पर, और ब्लू कलर की यूज़ को हम एक बार चेक करते हैं, तो इससे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसकी सेचुरेशन को -100 ही रखते हैं, और यहाँ से करते हैं इसको डन। अब गैस हम आ जाते हैं यहाँ पर क्लेरिटी के अंदर, और क्लेरिटी में इसके क्लेरिटी को यहाँ पर हम थोड़ा प्लस करेंगे इतना, देन बिजनेट को यहाँ पर डाउन कर लेंगे, इससे अच्छा फोकस आ जाएगा, और फेदर को यहाँ पर इसके प्लस कर देंगे +100। देन ऊपर से स्प्लिट टोन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर इसके हाईलाइट्स को लेंगे, और यहाँ पर ले आने के बाद इसको जो है हम हल्का ऊपर की ओर कर देंगे, इसके सेचुरेशन को कर लेंगे हम +5,
उसके बाद शेडोज़ को लेंगे, और शेडोज़ को लेने के बाद हम जो है इसकी सैचुरेशन को जो है प्लस कर लेंगे 6-7। बहुत बढ़िया गाइस। उसके बाद हम इसको जो है यहाँ से करेंगे डन, और अब जाएंगे हम गाइस थोड़ी इसकी शार्पनिंग भी एडजस्ट कर लेंगे। तो शार्पनिंग के लिए हम पहले शार्पनिंग को यहाँ पर प्लस कर लेंगे और नॉइज रिडक्शन को यहाँ पर हल्का प्लस कर देंगे, देन कलर नॉइज रिडक्शन और स्मूथनेस को यहाँ पर जो है प्लस कर लेंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस मेरी जो है फोटो थी पहले कुछ इस टाइप से थी, देन अब इस टाइप से जो है हमारी फोटो हो गई है। तो ये फोटो हमारी होगी पूरी तरह से तैयार। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो उसको प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और यार जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता है नई वीडियो में बहुत जल्दी।